नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बर्निंग न्यूज़ की। टॉपिक है यूनोकॉइन का। जैसा कि आप सबको पता है, यूनोकॉइन ने अभी हाल फिलहाल में 21 से 23 अक्टूबर के बीच ये डिसीजन लिया था कि यूनोकॉइन के जो क्रिप्टो एटीएम है, यानी कि इंडिया का जो फर्स्ट बिटकॉइन एटीएम है, वो जारी कर दिया जाएगा। और वहाँ से आप INR टू BTC और 5 से 6 क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। INR से बाई कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। सिर्फ यूनोकॉइन यूजर्स के लिए था। जैसे कि यूनोकॉइन के जो फाउंडर हैं, हरीश बीवी, को फाउंडर ऑफ बेंगलोर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनोकॉइन है, वो अरेस्ट किए जा चुके हैं। और जो क्रिप्टो ATM वो रनिंग कर रहे थे, पुलिस ने उसको बोला है कि ये इलीगल है, आपको RBI के थ्रू कोई भी लाइसेंस नहीं है और SEBI के थ्रू भी आपको कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं है। और जितनी भी एजेंसी हैं जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन कर रही हैं, उन सब को पुलिस ने छापा मारा है। उनको काफ़ी लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और इसके जो दूसरे को फाउंडर हैं, सात्विक विश्वनाथ, उन्होंने केस को डिफेंड किया है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन किया है कि जो परफेक्टली लीगल फॉर इंडियन टू बाई ओन और सेल बिटकॉइन। उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन इज़ नॉट ए लीगल टेंडर, बट बिटकॉइन इज़ आल्सो नॉट एन इलीगल टेंडर इन इंडिया, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली की स्टेटमेंट थी थोड़े दिन पहले। तो उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की। जितने भी जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, यूनोकॉइन अभी बचा हुआ है मेन जो है, और जैप पे क्लोज हो चुका है। तो इसके जो हरीश भी है, वो ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं। पुलिस ने यह बोला है कि आप कोई एम जो बिटकॉइन का ATM लगाया है, गवर्नमेंट से गाइडलाइन नहीं है, इलीगल है। जो लोकेशन थी उसको कैंप फोर्ट माल इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड बेंगलुरु, जो एयरपोर्ट है उसके पास इसकी लोकेशन थी, कैंप फोर्ट माल, ठीक है। तो पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में ये जो भी है, उन्होंने चार्जशीट फाइल की है। अभी जो डिसीजन आएगा वो कोर्ट को आगे देखते हैं क्या होता है। और यूनोकॉइन के जो को फाउंडर हैं सात्विक विश्वनाथ, उन्होंने बताया और सुना है कि उनको भी अभी डिस्कशन चल रहा है उनके साथ भी इनका। और 2013 में इन्होंने सेटअप किया था यूनोकॉइन को। 1.2 मिलियन कस्टमर है इनके इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख से ऊपर है। और जो भी कस्टमर्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे यहाँ से, INR टू BTC, BTC टू INR। परंतु अप्रैल के बाद ये सारे ट्रांजेक्शन बंद हो चुके हैं। जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच के जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने डेबिट कार्ड, पासपोर्ट्स, मोबाइल, CDs, लैपटॉप, सब कुछ वहाँ पे जो जो उनको आइटम मिला वो जब्त किया जा चुका है इनका। और जो 5 डेबिट कार्ड, पासपोर्ट और जो भी है उनका, यूनोकॉइन का ATM, वो पूरा का पूरा सील किया जा चुका है। और ये जो मैटर है ये अभी कोर्ट में चल रहा है अंडर ज्यूरिडिक्शन। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। और जो भी चीज़ें हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उनमें। उसके बाद में जितनी भी जो वेबसाइट की जो न्यूज़ है, जहाँ भी आप देख रहे हैं, हर वेबसाइट में यही चल रहा है कि यूनोकॉइन ने अच्छा डिसीजन लिया था बिटकॉइन ATM के लिए। और जो गवर्नमेंट जिसके लिए वो डिफेंड कर रहे हैं, वो ये है, न्यूज़ में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल टेंडर और कॉइन, ओके, और फाइनेंशियली इलेजिटिमेट एक्टिविटीज़, वी कैन नॉट यूज़ इट, ओके, क्रिप्टो करेंसी। बट जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी पार्लियामेंट में, उसमें यही बोला था इट इज़ नॉट ए लीगल टेंडर, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं बोला था कि इलीगल है। बस इस बेस को, इस बात को बेस बना करके अभी वो कोर्ट में डिफेंड कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। तो देखिए आगे अभी आने वाले टाइम में क्या होता है। और बाकी तो कदम इनका जो था वो काफ़ी अच्छा था। और दूसरी चीज़ जिन्होंने यह बोली थी यूनोकॉइन ने, कि जो क्रिप्टो करेंसी के ATM ये लगा रहे हैं, ये सिर्फ जो यूनोकॉइन के यूज़र हैं उनके लिए ही है, ये बाकी किसी के लिए नहीं है। जो भी KYC वेरीफाइड मेंबर हैं उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। और बिटकॉइन, रिपल, ईथेरियम, बिटकॉइन कैश, लिटकॉइन, 5 से 6 जो करेंसी है उन्हीं का लेन देन आप यहाँ से कर सकते थे। और उसमें कुछ 1.2 लाख समथिंग कैश भी उसमें था ATM में, वो भी पकड़ा गया है और काफ़ी चीज़ें जब्त की गई हैं, ठीक है। जो भी यूनोकॉइन के कस्टमर थे, और क्रेडिट और डेबिट कार्ड को इसमें यूज़ नहीं किया गया है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप वहाँ से कुछ भी बाई और सेल नहीं कर सकते थे। ओनली वो फॉर यूनोकॉइन के रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए था। जो विश्वनाथ की जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो कंपनी का जो मॉडल बताया गया है अभी, तो वो उसके बेस पे ये न्यूज़ आई है कि ओनली फॉर यूनोकॉइन कस्टमर्स। और जैसे जैसे RBI ने और RBI ने अभी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी गाइडलाइन जारी नहीं किए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन के लिए, और जो कि नाइदर इलीगल टेंडर नॉर बैक्ड और एनी फिजिकल एसेट्स, अभी तक यही है। लेकिन इन्होंने यह भी डिक्लेयर नहीं किया है कि इलीगल है। जो भी वार्निंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को लेकर के इंडिया में दी जा रही है,
और क्रिप्टो करेंसी जो कि ग्लोबली फैल चुकी है, और आरबीआई ने 6 अप्रैल से एक सर्कुलर जारी कर रखा है सभी बैंकों को और पेमेंट वॉलेट जो डील कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज को, सबको अभी तक बंद कर रखा है इंडिया में। बस ओनली वाजरेक्स पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन चल रहा है INR BTC, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है आपको बिटकॉइन सेल और बाई करने में, ठीक है। तो क्रिप्टो एक्सचेंज अभी वाजरेक्स चल रहा है और इंडिया में कहीं भी नहीं चल रहा है। उसके अलावा लोकल बिटकॉइंस और नेटलर के थ्रू आप बिटकॉइन बाई और सेल कर सकते हैं। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो लोकल बिटकॉइंस के ऊपर होगा, वहाँ से आप बिटकॉइन बाई और सेल कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, और नेटलर के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं नेटलर और लोकल बिटकॉइन। तो अभी आने वाले 1 से 2 दिन में आपको उसके रिगार्डिंग में वीडियो मिल जाएगा। जो बात का आधार उन्होंने बताया था तो वो इस न्यूज़ में अभी दिखा रहा हूँ आपको, और हर तरफ आपको सेम न्यूज़ मिलेगी। वी गॉट ए बैड प्रेस आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस ए बैन इन फरवरी 2018 में फाइनेंस मिनिस्टर ने का जो स्टेटमेंट था कि क्रिप्टो करेंसी आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया, ही डिड नॉट से इलीगल टेंडर, दैट इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। सो गाइज, इस बात में दम भी है और सही भी है। तो इस बात को वो कोट करके उसको चैलेंज कर रहे हैं जो भी अभी यूनोकॉइन के साथ हुआ है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले, और गवर्नमेंट ने जो कमेटी बैठा रखी है उसको अभी इंडियन गवर्नमेंट को 2 वीक का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन रेगुलेशन के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, और आगे इस प्रकार के जो क्रिप्टो करेंसी हैं उसको डील करने के लिए जो भी आपने उपाय उठाए हैं वो डिस्कस कीजिए। और जो एक कमेटी बना रखी थी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए, उसको बैन करना है या रेगुलेट करना है, जो कमेटी थी सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके काफ़ी मेंबर्स बनाए गए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थे सभी मेंबर्स, तो उस कमेटी का जवाब अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं है। तो नेक्स्ट 2 वीक में शायद सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखते हैं, 20 नवंबर की डेट है दोस्तों।